बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि भाई मैंने आपके साथ अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ शेयर की है, जो कि आप भाइयों ने शायद मेरे चैनल के ऊपर या कहीं टिकटॉक के ऊपर या किसी यूट्यूब के और चैनल के ऊपर वीडियो वो देख ली होगी अभी तक। खासकर जो मेरे गैर मुल्की पाकिस्तानी बंगाली भाई यहाँ पर मौजूद है कि बरीद अल कसीम में जो एक पाकिस्तानी ने एक सऊदी लड़की जो गाड़ी में बैठी हुई थी उसको भाई कुछ इशारे वगैरह कर रखा था, बाद में पकड़ा भी गया। तो एक तो वो चीज़ आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज की चीज़ आपके साथ मैं वो शेयर करने वाला हूँ कुछ जो आप यकीन करें, मैं जब ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो ये साथ में लिखी हुई थी वो भी न्यूज़ और ये भी, तो मैं ये पढ़ रहा था, मैंने बोला भाई साहब चलो ये शेयर करता हूँ कि एक बंगाली भाई ने भाई ATM लूटने की कोशिश की है। अच्छा, मैं ATM के मुतलक वारदात यहाँ पर बहुत होती हैं, पकड़े भी जाते हैं बंदे, लेकिन इस बंदे की आप यकीन करें सोच और कारागरी के ऊपर मैं खुद हैरान हुआ हूँ आपके साथ। मैं यहाँ पर शायद मैं अभी आपको वीडियो चलाना दिखाना शुरू भी कर चुका हूँ, आप इसमें वो वीडियो भी देख सकते हैं इस बंगाली की, कि इसने भाई पहले तो वो तमाम तर चीज़ें ली हैं जिस जो इसको चाहिए थी। मिसाल के तौर पर इसने लिबास वो लिया है जो अमले का लिबास होता है, जो ATM की सफाई के लिए आते हैं, पैसे रखने के लिए आते हैं, या वहाँ की जो नजाफा वगैरह होता है उसके जो क्लीन वगैरह करने के लिए आते हैं वो लिबास लिया है बिल्कुल। और उसके साथ इसने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली हैं, आपको यहाँ पर जो आगे वीडियो दिखाई देगी आप देख रखे होंगे शायद, उसके नीचे वो बिखरी हुई हैं ऐसे लाइन से। उसके अलावा इस बंदे ने फिर कटर लिया है जिसे सरूख बोलते हैं जी हम, उसके आगे डिस्क लगी हुई थी बड़ी लोहा काटने वाली, तो वो कटर लिया इसने। फिर ये कारबा तो अंदर होती है, इसने कारबा वगैरह लगाई है और ATM काटनी शुरू कर दी है। तो मैं जब इसकी वीडियो देख रहा था तो मैं खुद बहुत हैरान हुआ कि यार ये जो बॉक्स होता है ना खासकर जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं, ये कुछ ऐसे एल्युमिनियम से बनाया जाता है, ऐसे मटीरियल से बनाया जाता है जो कटर के काटने से भी जल्दी नहीं कटता है, खासकर ऐसे कटरों से। तो ये बंदा भाई कटर से काट रहा है ATM, जब इससे कटिंग नहीं है, इसने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद इसने ATM को ऐसे हाथ मारा है, लेकिन ये पकड़ा गया है, इसको पकड़ लिया गया बाद में। तो सऊदी अरेबिया में ऐसे वकूए ऐसे वारदात भी हो जाती हैं जिनको देखकर आदमी खुद हैरान होता है कि यार ये बंदे की सोच देख, इसने सामान पूरा इकट्ठा किया लेकिन चोरी फिर भी नहीं कर सका, और सऊदी अरेबिया में अगर ये चोरी कर भी लेता तो भाई फिर भी ये पकड़ा जाता।